एनकाउंटर में तीखे सवालों को लेकर सहयोगी योगेश शर्मा के साथ हाजिर हूं मैं श्वेता मिश्रा। आज एनकाउंटर में तीखे सवालों का जवाब देने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, भाई राजपाल को टिकट नहीं मिलने से आहत है या नहीं, क्योंकि काफी कोशिश आपने की थी लेकिन जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को टिकट मिला। देखिए, राजपाल मेरे छोटे भाई हैं, इसका मुझे गर्व है, लेकिन वो संगठन में पिछले 20 सालों से लगातार सक्रिय हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी वो अध्यक्ष रहे NSUI के ऊपर बैनर तले, और उसके बाद NSUI संगठन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। यूथ कांग्रेस के 2 बार वो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी फिलहाल भी। तो संगठन के अंदर टिकट मांगना सबका अधिकार है, कार्यकर्ता के नाते उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, सभी नेताओं के बीच में रखा, और जिस प्रकार से जनभावना थी जनभावनाओं को भी उन्होंने उनके सामने रखा। लेकिन टिकट में सभी कार्यकर्ता मांगते हैं सभी लोग, लेकिन मिलता किसी एक को है तो तकलीफ होती है। लेकिन पार्टी ने जो भी निर्णय किया है तो ज्योति खंडेलवाल जी को सर्वसम्मति से उन्होंने टिकट दिया है, तो अब हमारा प्रयास रहेगा कि ज्योति जी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताएं। आपके नवलगढ़ से भी ताल्लुक है ज्योति खंडेलवाल का? हाँ, नवलगढ़ की बेटी है वो, और हमें खुशी है इस बात की कि ठीक है, क्योंकि 5-7 कैंडिडेट चल रहे थे लगातार तो उनको टिकट मिला है, शेखावाटी से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस को इस देश की आवश्यकता है, तो ज्योति जी का जीतना जरूरी है, तो हम लोग पूरे दम के साथ में ज्योति खंडेलवाल जी। राजकुमार जी, ये सवाल उठता है जयपुर की राजनीति में, क्योंकि ये सीट ब्राह्मण सीट रही है और पंडित नवल किशोर शर्मा, महेश जोशी दोनों ब्राह्मण यहाँ से सांसद बने, तो क्या लगता है कमी रही कद्दावर ब्राह्मण नेताओं की कि कांग्रेस पार्टी को वैश्य कार्ड खेलना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कद्दावर नेता खूब भरे पड़े हैं कांग्रेस में, ब्राह्मण नेता भी मतलब। लेकिन मेरा सोच देखो, आपको देखा होगा कि मैं जिस क्षेत्र से विधायक बन के आता हूँ वहाँ ब्राह्मणों की संख्या मात्र 8,000 है, लेकिन मुझे इतनी थम्पिंग मेजोरिटी से वहाँ पे 36 कौम की जनता जिता के भेजती है, इसलिए मैं कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता। लेकिन जयपुर के अंदर एक ऐसा बना हुआ था, एक सिस्टम बना हुआ था कि यहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार पार्टी उतारा करती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी उतारती है और कांग्रेस भी उतारती है। वो इस बार इनको लगा होगा, जो भी सर्वे में आया होगा, जो भी पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं ने तय किया होगा कि जब BJP ने ब्राह्मण को उतारा है तो हम वैसे समुदाय को उतारते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि राजनीति के अंदर जो आकर जातिवाद की बात करे उस व्यक्ति को राजनीति से चला जाना चाहिए। BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जातीय समीकरण को अहमियत दी जाती है और उसका असर भी नजर आता है। मैं हमेशा खिलाफत करता हूँ इस चीज की, जो भी पार्टियां वास्तव में वर्तमान में इस देश के अंदर कि जातिवाद के नाम पर टिकट देना, जातिवाद के नाम पर ही मंत्री पद का बंटवारा करना, जाति के नाम पर ही अधिकारियों को लगाना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। राजकुमार जी, मंत्री बनने से कैसे चूक गए जबकि पिछली गहलोत सरकार में भी मंत्री थे? देखिए, इस बार मंत्री, वैसे तो मंत्री पद देना, मंत्री बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का क्षेत्राधिकार है, उनके स्वयं विवेक पे निर्भर करता है कि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। लेकिन इस बार हमारे पूरे झुंझुनू जिले को ही मंत्री पद से वंचित किया, तो हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाले वक्त में जब रिशफलिंग होगी तो झुंझुनू जिले को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन शेखावाटी की राजनीति में अब से पुरानी सरकारें कांग्रेस की देखी है, कोई ना कोई ब्राह्मण हमेशा मंत्री रहा है और ब्राह्मण राजनीति भी शेखावाटी की बहुत गौरवशाली रही है, लेकिन ना तो आपको प्रतिनिधित्व मिला ना भवनलाल जी शर्मा को मिला और वंचित है पूरा इलाका, लोकसभा चुनाव का समय है, असर पड़ सकता है। देखिए, मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कि मंत्री पद जाति के नाम पर आप बनाओगे, कोटा तो होता ही है। मैं कोटा किसने तय किया है, कौन से संविधान में लिखा है कि इस जाति का इतना कोटा होगा? मैं कह रहा हूँ कोई कोटा कहीं नहीं बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अभी कोटा के अंदर और टोंक सवाईमाधोपुर के अंदर ST को दिया है ना जनरल की सीटों के ऊपर, ऐसा कोई कोटा नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं है। हाँ, जो आरक्षित सीटें SC ST के लिए वहाँ पे आप दूसरे को नहीं ला सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मंत्री, मैं अगर मुझे ब्राह्मण के हिसाब से मंत्री बनाना वो चाहते हैं तो मैं तो हाथ जोड़ना चाहूंगा। नवलगढ़ के जो चुनाव रहा विधानसभा का, बहुत घेरने की आपको कोशिश रही और मीटू जैसे गंभीर आरोप लगे, राजकुमार शर्मा के पूरे जीवन में इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे, इतना संघर्ष आपके जीवन का रहा, षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र करने वाले आप जानते हैं उनको, क्या लगता है कि आगे भी षड्यंत्र होते रहेंगे और आप चुप रहेंगे? देखिए, सतयुग से लेकर कलयुग तक राजनीति के अंदर षड्यंत्र चलते रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति का इतना निम्न स्तर तक ले जाना राजनीति को, ये
एक बहुत ही दुर्भाग्य इस देश का। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पे वो लोग आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, मेरे पे आरोप लगाते हो कि मैं जनता की सुनवाई नहीं करता हूँ, लेकिन उनको पता है इस बात का कि ऐसे आरोप हम लगा नहीं सकते क्योंकि मेरा ऐसा करेक्टर नहीं है, और ऐसा आरोप लगा नहीं सकते कि मेरे कोई विकास के कार्यों के ऊपर मुझ पर वो लोग को चिन्हित कर नहीं सकते। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट देख के और इस निम्न स्तर के ऊपर लेके गए, जिसका मेरी जनता ने, नवलगढ़ की जनता ने वोट दिया और पूरे राजस्थान की जनता ने मुझे, मेरे लिए दुआएं की और 36,500 वोटों से जीता कर और उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा कि आप लोग चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लो, डॉक्टर राजकुमार के परिवार को, डॉक्टर राजकुमार के चरित्र को हम लोग जानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं दुखी हूं इस बात से। और सच बताऊं आपको कि जो लोग इस तरह की राजनीति में विश्वास करते हैं उनको मैंने समय समय के ऊपर पार्टी लेवल पे भी मैंने उठाया इस चीज को, पार्टी लेवल पे भी कहा है कि या तो इनको आप लोग पनिश कीजिए, आप लोग इनको पनिश कीजिए, वरना आने वाले वक्त के अंदर हम लोग स्वयं उनको पनिश करेंगे। मैं आज कहता हूं कि जिसने वोट नहीं दिया वो हमारे सर माथे पे है, लेकिन ऐसे षड्यंत्र रच के और हमारा मानसिक संतुलन खराब किया, हमारे कार्यकर्ताओं को जिसने आंसू रुलाए हैं, उन व्यक्तियों को करारा जवाब मिलेगा और आने वाले वक्त के अंदर उनको हम लोग सबक सिखाएंगे ताकि राजनीति के अंदर दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह की हिम्मत या हिमाकत नहीं कर सके कि इतने ओछे हथकंडे अपना कर किसी का चरित्र हनन कर सके या किसी को चुनाव के अंदर हराने की कोशिश कर सके। राजकुमार जी, बिल्कुल, क्योंकि आरोप लगाए गए और हर तरह के लोग षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हो, ये चुनाव के दौरान ही नजर आता है, तो उसमें भी सवाल उठ जाते हैं कि अभी क्यों अगर ऐसे आरोप लगे। लेकिन कितना मुश्किल राजकुमार शर्मा के लिए रहा इन चीजों से उबर कर आना, हालांकि जनता ने तो क्लीन चिट दे दिया वोटों के साथ, लेकिन इससे निकलना आपके लिए कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल, अभी भी नहीं उबर पाया हूँ, अभी भी नहीं उबर पाया हूँ। कारण कि ये तो मैं बता रहा हूँ कि परिवार की ताकत, मेरे समर्थकों की ताकत, और जिस प्रकार से इन लोगों ने उस चीज को रखा और सम्मानित मीडिया वालों ने भी उस चीज के पॉजिटिव चीजें रखी। मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर राजकुमार दोषी है, जीवन भर राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन इस बात का दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि FR लगी वो बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाले लोग कौन थे उनके चेहरे सामने आने चाहिए और समय आने के ऊपर उनके चेहरे भी उजागर करेंगे और उनको जिस सजा के वो हकदार हैं उस सजा तक भी उनको लेके जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप? 100% कानूनी, क्योंकि हमारे देश के संविधान पे, देश के कानून पर हमें विश्वास है और हम इतना कह सकते हैं कि पार्टी लेवल पे, पार्टी पे विश्वास है, पार्टी लेवल पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर हो वो भी उनसे हम लोग गुहार लगाएंगे और कानूनी प्रक्रिया और जो जो भी एक शासन की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार हम लोग पूरा एक न्याय के लिए और आगे भविष्य में किसी और को इस तरह के लोग शिकार नहीं बनाएं इसका हम। आप कह भी चुके, फ्लोर पर भी कह चुके कि पार्टी लेवल पर भी आपको न्याय नहीं मिला है, क्या अब जब ये मामला सामने आया इसके बाद, हालांकि इनसे आप दो चार होते रहे, जनता ने आपका साथ दिया, पार्टी की तरफ से किस तरह का रुख रहा है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी लेवल पे मुझे न्याय नहीं मिला है। हाँ। मैंने ये कहा है कि एक प्रत्याशी जो उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ उसी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचे और वो आज फिर पार्टी में बने हुए हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये तो पार्टी को सोचना है। नुकसान वहां डॉक्टर राजकुमार को नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे खड़े हुए एक प्रत्याशी को किया जो 200 में से एक था। डॉक्टर राजकुमार उनसे लड़ने के लिए सक्षम है, मेरे कार्यकर्ताओं की टीम सक्षम है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जिस थाली में खाया उस थाली में छेद करने की कोशिश की तो उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ये पार्टी से भी डॉक्टर राजकुमार उम्मीद करता है। आपने अपने लेवल पर कोशिश की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर पार्टी लेवल पर, आपने अपने लेवल पर कोशिश? मैंने आपसे कहा ना कि हर बात का जवाब मिलेगा, हम चाहते हैं एक बार लोकसभा चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। ठीक है, हम वो हर उस व्यक्ति जो व्यक्ति इन षड्यंत्रों में शामिल है उनके चेहरे बेनकाब करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। राजकुमार जी, ओला परिवार से आपकी नाराजगी रही और टिकट चयन को लेकर भी आपने और कुछ और विधायकों ने और वहाँ के नेताओं ने खुलकर विरोध किया कि बृजेंद्र ओला के अलावा किसी को टिकट दिया जाए। अब श्रवण कुमार को टिकट मिल गया है, कहा जा रहा है कि आपका साथ उनको पूरा मिलेगा। पहला तो ये आरोप ही गलत है कि श्रीराम ओला जी या ओला जी के परिवार के मैं खिलाफ, वो हमारे बृजेंद्र ओला की बात की। हमारे झुंझुनू के सम्मानित नेता थे और हम सब उनका आदर करते थे, उनके सुपुत्र हमारे साथी विधायक हैं। अब पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हमारे पूर्व विधायक जो 5 बार से विधायक हैं श्रवण कुमार जी,
उनको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, तो सर्वे के आधार पर या हम लोगों के भी जो भी हमने हमारी राय रखी, हमने राय रखी, हमारी राय रख, हम निष्पक्ष रख सकते हैं कि साहब वर्तमान में आम जनता की ये आवाज़ बन रही है, अगर आप ये आप राय दे सकते हैं, राय पूछी गई हमसे, तो अगर शरण कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग जी जान से उनको चुनाव जिताएंगे, झुंझुनू की सीट हम कांग्रेस के झोले में डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब यानी नाराजगी कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि आपकी नाराजगी कांग्रेस को भी पहले भारी पड़ चुकी है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, चुनाव ना जी से, ना के परिवार से। आप चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीता था मोदी जी की लहर में, और जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे संपर्क नहीं किया तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम वोट कहाँ डालें, तो हमने सब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने कहा क्यों नहीं एमपी का चुनाव लड़ा जाए, जनता चाहती थी, और मोदी जी की लहर में बिना टिकट के 2.25 लाख वोट लिए मैंने। नुकसान कांग्रेस को हो गया, देखिए नुकसान फायदा का नहीं था, नुकसान तो मेरा ही किया ना, जब मैंने सरकार बनाई कांग्रेस की और उसके बाद में मेरी टिकट काट दी गई, तो इससे बड़ा तो नुकसान किसको करेंगे, और उसके बाद जनता ने 33,000 वोटों से जिताया और उसके बाद भी संपर्क नहीं किया, तो फिर हमारी ताकत, तो देखो लोकतंत्र के अंदर ताकत दिखानी पड़ती है, और जनता हमारे साथ में है, ये राजस्थान की राजनीति के अंदर हर जो रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। आप बार बार कह रहे संपर्क नहीं किया, संपर्क किया होता तो तस्वीर अभी कुछ और होती, ये बातें पिछली बार की थी। अगर जैसे संपर्क किया होता तो 25 में से 24 सीट बीजेपी की आती, झुंझुनू की सीट कांग्रेस की झोली में पिछली बार भी जाती। राजकुमार जी, संपर्क तो बसपा में जब आप जा रहे थे तब वसुंधरा राजे ने भी किया था आपसे, और ये कहा था आपसे कि 2-3 दिन वेट कर लो, मैं टिकट देने को तैयार हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि नवलगढ़ में बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला और मेरी हाथी के प्रति आस्था है, और आपने बसपा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए जो बात कही, हाँ सच है, उन्होंने उस समय कहा था, लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उस निर्दलीय था, उस समय अशोक गहलोत जी CM थे, उन्होंने मुझे चला के ऑफर किया कि राजकुमार मेरे साथ काम करोगे। बचपन से उस व्यक्ति की सादगी, उस व्यक्ति की ईमानदारी, उसके प्रति हमारा प्यार, रेस्पेक्ट, वो बचपन से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो जब उन्होंने चला कहा कि मेरे साथ काम करो, तो फिर जिस व्यक्ति को बचपन से देखकर बड़े हुए हैं कि ये व्यक्ति राजनीति के अंदर अच्छी छवि रखते हैं, गरीबों की सुनते हैं, एक सामान्य घर में जन्म लेकर आज पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण क्यों नहीं किया जाए। तो पिछले 20 साल से मैं अशोक गहलोत जी के साथ जुड़ा था और आज भी जुड़ा हुआ। चलिए, यही है कि कांग्रेस के साथ आस्था बनी हुई है, भले ही हाथी के साथ शुरुआती दौर पे आस्था, हाथी जरूर नाराज है इनके जाने से लेकिन पंजा खुश है। चलिए, राजकुमार शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि और भी तीखे सवाल है जिनके जवाब हम राजकुमार शर्मा जी से लेंगे, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं उन सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एनकाउंटर में। आज हमारे साथ मेहमान डॉक्टर राजकुमार शर्मा बने हुए हैं, उनसे और भी सवाल लेते हैं। राजकुमार जी, कांग्रेस की जब बात आती है और विधानसभा चुनाव की हम बात करें, इससे पहले लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे कि कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी हुई है, एक गहलोत कांग्रेस है, एक सचिन पायलट कांग्रेस है। लेकिन अगर आपकी बात करें, गहलोत जी के साथ भी आपने बहुत लंबा काम किया है, जिस तरह से अभी आपने बताया 20 साल से आप लगातार उनके साथ बने हुए हैं, उन्हें देखा है, उनसे सीखा है। सचिन पायलट के साथ भी आपकी बहुत करीब हैं आप, वो नजर आया था हमें विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। तो कितने खास आपके लिए डिप्टी CM हैं, या क्या कार्यप्रणाली है जो आपको दोनों से सीखने को मिलती है? ये सिर्फ एक बाहर चर्चाएं हैं, बाकी सच्चाई है कि दोनों एक हैं, और दोनों का मकसद एक ही है कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के कुशासन से परेशान होकर और हमें बहुमत दिया है, सरकार में लाए, तो कैसे हम जनताओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। इसलिए आदरणीय गहलोत साहब और आदरणीय पायलट साहब दोनों एकजुट है, उनके नेतृत्व में पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है। राजनीतिक सफर की बात करें, संस्कृत कॉलेज से निकलकर राजस्थान यूनिवर्सिटी तक अध्यक्ष बने, ये सफर इतना आसान नहीं था, जबकि आपके सामने हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज भी थे जो राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहे। कितना मुश्किल सफर आप मानते हैं इसे, क्योंकि जितना हम जानते हैं राजकुमार शर्मा का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है पिछले अगर 20-25 साल की बात। देखिए, 25 साल की तपस्या है और
हजारों हजारों मेरे कार्यकर्ताओं ने इस पौधे को लगाया राजकुमार के रूप में, पता नहीं कितने लोगों ने खून पसीने से सींचा है मेरे लिए, साथ में संघर्ष में विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज तक किस प्रकार से मेरे लिए संघर्ष में पुलिस से लाठियां खाई हैं, मुकदमे खाए हैं, जेल तक गए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज्यपाल आज जो कुछ भी हैं वो अपनी टीम की बदौलत हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी अध्यक्ष बनने के में सामने भी बड़े बड़े विरोधी हुआ करते थे, लेकिन उस समय चाहे वो अशोक लाहोटी जी थे, हनुमान बेनीवाल जी, रणवीर जी, हम लोग तीन चार पांच, अशोक लाहोटी तो आपसे मेरे थे हारे थे चुनाव, मेरे से हारे थे वो चुनाव अशोक लाहोटी जी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उस समय इतना राजनीति का स्तर गिरा नहीं था। अब स्थितियां होगी जब से सोशल मीडिया ये इस तरह से, क्योंकि अब इन पे कोई प्रतिबंध तो कर नहीं सकता, इनकी कोई जिम्मेदारी तय कर नहीं सकता, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या कहेंगे, आपका उनके साथ छात्र राजनीति का बैर रहा, आज आपके साथ विधायक है, विधानसभा में आप दोनों के बीच, विधानसभा में आप दोनों के बीच में तल्खियां, हमारे बीच में प्यार है, किसने कहा, और अब दोस्ती की चर्चे हैं। नहीं नहीं, अब जरूर दोस्ती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हॉस्टल में भी मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब के क्लासमेट रहे हैं राजस्थान कॉलेज में। और देखिए, मैंने अभी भी आपको कहा कि राजनीति के अंदर आमने सामने लड़ना वो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए मुद्दों को लेके। व्यक्तिगत उनके छोटे भाई नारायण जी हैं, मेरे खास दोस्त हैं, हम लोग एक वो उस समय हीरोपुक हुआ करती थी उस पर हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर घुमा करते थे, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि मेरी राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं है, इस राजनीति में आया हूँ लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आया। जो लोग इस पेड़ को काटना चाहते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर रघु शर्मा, यस, और महेश जोशी कांग्रेस में वटवृक्ष की तरह माने जाते हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, इनके बीच में खुद को कहाँ मानते हैं? दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों बड़े भाई हैं मेरे, और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, इसलिए मैंने कहा वटवृक्ष है, तो वटवृक्ष के नीचे हम लोग तो टहनिया है, अभी कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, इसलिए वो तो बड़े नेता हैं, बड़े भाई, मैंने दोनों चीज़ें बोली हैं, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लोग वो काफ़ी वरिष्ठ हैं। जब हम 79 में तो वो अध्यक्ष बन गए, और मैं तो 73-74 में तो जन्मा हूँ, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि वो कितना हमारा आपस के अंदर उम्र का ही फर्क है। राजकुमार जी, आप अगर राजकुमार शर्मा की बात करें, उनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा तो होती है, एक बार आपने कहा था कि कांग्रेस आपके सोच में है, आपके दिल में नहीं है, तो क्या अब दिल में भी कांग्रेस है? मेरा ये था कि किसी नेता ने ये कहा कि साहब आप अलग हो गए थे, ये हो गए, तो मैंने उसने कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर राजकुमार के खून में कांग्रेस नहीं है, डॉक्टर राजकुमार के विचारधारा में कांग्रेस है, मेरे खून में, मेरे रगों में तो मेरे माँ बाप का खून बहता है, ये मैंने वहां पे स्टेटमेंट दिया था, आज भी उस पर कायम हूँ कि मेरी विचारधारा में कांग्रेस है, कि पूरे देश में सभी जाति धर्मों को साथ लेकर और राष्ट्र को बांटने का प्रयास कोई नहीं करे। विद्यार्थी परिषद में आपने कार्य किया, जो आरएसएस का हरावल दस्ता कहा जाता है, और वहाँ पर वैचारिक रूप से तैयार किया जाता है पौधे को, पेड़ कैसे बनना है ये वहाँ सिखाया जाता है, कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है, और आप उस पौधे, उस शाखा से निकले जो संघ की एक बड़ी शाखा कही जाती है, अब खुद को कहाँ पाते हैं? आपको पता है कि आरएसएस ने इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट किया, देश के प्रधानमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा, याद है आपको? मैं कह रहा हूँ कि जिस समय हम लोग श्रम सेवक थे, आज मैं मना नहीं करता हूँ, गर्व है मुझे, लेकिन उस समय आरएसएस का एक मूल मंत्र था कि हमारा स्वयं सेवक जिस भी क्षेत्र में रहे वहां पे स्वच्छ नेतृत्व दे, सबको साथ लेके चले, सबको जी से बोले, भाई साहब कह के बात करे, कोई राजनीतिक बात नहीं होती थी, किसी भी पार्टी में जाए लेकिन वहां पे अच्छा नेतृत्व दे, अच्छी लीडरशिप दे। आज उल्टा हो गया है, उस समय लोग घर पे जा जाके लोग खाना कार्यकर्ताओं के घर पे खाया करते थे, अब वो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं, अब आप छोड़ दीजिए उसको, कार्यकर्ता कार्यकर्ता चुनकर वो क्या नाम, वो पर विस्तारक काम करेगा, वो काम करेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि उस समय की स्वयं सेवक में, आज के स्वयं सेवक में रात दिन कितनी सहायता लगती है आप बता दो मुझे,
कितनी सागरें लगती हैं, कितनी सड़कों के ऊपर लोग दिखते हैं। हाँ, जब भाजपा का शासन आ जाता है जब जब जरूर कुछ कर्मचारी लोग हैं वो निकर पहन के निकल पड़ते हैं, बाकी जैसे कांग्रेस का शासन आया वापस वो अलमारी में रख देते हैं। लेकिन एक अहम बात है, लोकसभा चुनाव क्योंकि अब सर पर ही है और कांग्रेस की बात करें 25 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। ठीक है, जो आला कमान फैसला करता है जिसको टिकट देना है, हर नेता यही बोलता है कि बिल्कुल सही निर्णय। अगर राजकुमार शर्मा की बात करें, ईमानदारी से आपसे जवाब चाहेंगे, ये 25 सीटें 25 कैंडिडेट जो सामने आए हैं, आपकी नजर में क्या एकदम सही निर्णय? देखिए, मतलब सही गलत का फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन मैं मेरी राय दे सकता हूँ कि पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिनका बहुत सालों से अनुभव है, हमारी उम्र नहीं है उतना उनका राजनीति के अंदर अनुभव है, तो उन्होंने कई स्तर के ऊपर सर्वे करवाया है। कार्यकर्ताओं से अलग शक्ति एक प्रोजेक्ट चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जो राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से भी उन्होंने सर्वे कराया गया, तो कई स्तर के ऊपर उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिनमें जो बेस्ट था उनको उन्होंने चयन किया है, तो हमारी शुभकामनाएं है और हम लोग चाहेंगे राजस्थान के अंदर 25 के 25 सीटें आए। एग्जिट पोल 18 से 20 सीटें बीजेपी को दे रहा है राजस्थान। देखिए, एग्जिट पोल पे हम जाएंगे तो आपको पता है कि बहुत बार नहीं कई बार भी ऐसा हुआ है कि उससे विपरीत हुआ है, तो जनता की भावना के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि अभी जो राहुल गांधी जी ने बेहतर 1000 रुपये वाला जो न्याय वाला जो एक सिद्धांत न्याय योजना जो पब्लिक के सामने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा फोकस है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, जितनी भी भर्तियाँ अटकी हुई हैं पूरे देश में मैं उनको पूरी करूंगा। राजस्थान के अंदर 10 दिन में उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा किया था, आपको पता है कि पूरी सरकार हमारी उस काम में लगी पड़ी है और हमने वो किया। एक आखिरी सवाल आपसे, राजपाल शर्मा को तो आपने टिकट के लिए कह दिया और राजपाल शर्मा ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी, अब पूरी तरह आप जयपुर की राजनीति करवाएंगे छोटे भाई से? देखिए, मैं कौन कहने वाला होता हूँ राजपाल जी को कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, मैं जब आपको कह रहा हूँ कि उनका खुद का एक कद है, उनका खुद का एक व्यक्तित्व है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो सम्मानित प्रेसिडेंट रहे हैं, दो बार इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको सब लोग जानते हैं, पूरी लीडरशिप उनको रिकॉग्नाइज करती है और बहुत मेहनती हैं। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार के पीछे एक बहुत बड़ी ढाल बन के राज्यपाल रहते हैं मेरे छोटे भाई हैं, मैं खुश नसीब हूँ। जयपुर के अंदर आने के लिए नहीं है, जयपुर में तो उसका आज हमारा परिवार 40 साल से रह रहा है, मेरे दादाजी उस जमाने के अंदर आके यहाँ पे मकान बना लिया था। आपके तो परिवार पुजारी परिवार है। हाँ, यस, पंडित हरिनारायण सुरोलिया कौन नहीं जानता, राम मंदिर के प्रधान पंडित जी, पूरे ज्योतिष आचार्य 40 साल पहले यहाँ पे आ गए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्यपाल का ससुराल पंडित मोतीलाल जोशी कौन नहीं जानता, उनको संस्कृत जगत के अंदर मोतीलाल जोशी जी का योगदान कौन भूल सकता है, उनकी पोती राज्यपाल की वाइफ है, पूरा हमारा जयपुर के अंदर पूरी टीम है, हमने मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा, राज्यपाल जी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे, इसलिए वो उनका व्यक्तित्व खुद का है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वो भी एक दरिया है, अपने आप अपना रास्ता निकाल लेंगे और पार्टी निश्चित रूप से उनको बहुत चाहती है, पार्टी उनकी क्या भूमिका तय करती है ये मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और पार्टी जाने। राजकुमार शर्मा से हमारी बातचीत हुई एनकाउंटर में, तीखे सवालों का उन्होंने सामना किया और उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर वैसा ही परिणाम देगी जैसा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला था और यहाँ से कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। परिणाम तय करेंगे कि क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य रहा। एनकाउंटर में फिर एक बार नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल लेते हैं विदा।